हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं वन एग्जांपल ऑफ मैनी टर्मिनल नेटवर्क। मैनी टर्मिनल नेटवर्क क्या होता है? ए नेट इज कॉल्ड मैनी टर्मिनल नेटवर्क इफ देयर आर मोर देन टू टर्मिनल्स इन ए स्विचिंग नेटवर्क। अगर किसी स्विचिंग नेटवर्क में दो से ज्यादा टर्मिनल हैं तो हम उसको मैनी टर्मिनल नेटवर्क बोलते हैं। तो मैनी टर्मिनल नेटवर्क का एक एग्जांपल देखने जा रहे हैं जिसे रविशंकर यूनिवर्सिटी ने कई बार पूछा है आप लोगों से बीसीए के कोर्स में। डिजाइन ए थ्री टर्मिनल सर्किट विच गिव्स द रियल फॉर्म्स ऑफ द फॉलोइंग बोथ फंक्शंस। या दो फंक्शन दिया हुआ है एफ एंड जी। अब इन दोनों फंक्शंस के लिए थ्री टर्मिनल का सर्किट हमको डिजाइन करने बोला जा रहा है। थ्री टर्मिनल सर्किट है, दैट मीन्स आपको क्लियर रही है मैनी टर्मिनल नेटवर्क जो है वहां का एक क्वेश्चन है और आपको थ्री टर्मिनल ही इसके आंसर में चाहिए। ये पहले उन्होंने क्लियर कर दिया है। कहां से लाएंगे टर्मिनल वाला सर्किट, थ्री टर्मिनल वाला? ये दो फंक्शन को सॉल्व करके लाएंगे। इन दोनों फंक्शन को हम पहले फैक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, फैक्टर फॉर्म में ब्रैकेट ब्रैकेट फॉर्म में लाएंगे। हम कोशिश करेंगे दोनों में ज्यादा से ज्यादा कॉमन टर्म्स हो जिनको लेकर के हम थ्री टर्मिनल सर्किट डिजाइन कर सके। पहला फंक्शन है एफ इक्वल टू एक्स जेड डब्ल्यू प्लस वाइडेज जेड डब्ल्यू। एक्स वाई जेड चार वेरिएबल में, पहले फंक्शन में दो टर्म है, सेकेंड फंक्शन में एक्स जेड डब्ल्यू प्लस वाई जेड डब्ल्यू, ये दोनों टर्म्स दोनों जगह पे सेम दिख रहा है, यहां एक्स्ट्रा है एक्स डेज वाई डेज Z। तो सबसे पहले दोनों को फैक्टर फॉर्म में लाते हैं, कुछ कॉमन टर्म्स बनाते हैं। हमने लिखा है रीसॉल्विंग द गिवन फंक्शंस इनटू फैक्टर्स। ये जो पहला फंक्शन है f इक्वल टू एक्स जेड डब्ल्यू प्लस वाई डेज जेड डब्ल्यू, इन दोनों टर्म में जेड डब्ल्यू हमें साफ साफ कॉमन टर्म दिखाई दे रहे हैं। जेड डब्ल्यू आप कॉमन निकाल लीजिए। जेड डब्ल्यू कॉमन निकालने से अंदर क्या बचेगा, जेड डब्ल्यू बाहर निकालेगा कॉमन, तो x प्लस वाई डेज ये ब्रैकेट के अंदर रह जाएगा। अगर आप इसको दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे वापस ये दोनों टर्म आपको मिल जाएगा। तो जैसा हमने f को यहां पे फैक्टर किया है, कोशिश करें कि नीचे जो जी जो दूसरा फंक्शन है वहां से भी इनको फैक्टराइज करें, कॉमन निकालने पे यही टर्म सेपरेट होकर के आए ताकि दोनों में वो कॉमन रहे। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ये दोनों टर्म नीचे भी दिखा हुआ है, तो फैक्टर फॉर्म में लाने के लिए यहां से भी क्या करिए, जेड डब्ल्यू कॉमन निकालिए, ये एक्स यहां का प्लस वाई डेज यहां रह जाएगा। ये दोनों टर्म से तो आपने ये ला दिया, अब एक्स डेज वाई डेज जेड सिंगल टर्म छूट गया है। उसमें से भी ऐसा कुछ कॉमन निकालने के लिए हम खुद से सोचेंगे। याद रखें कि यहां हम जीरो ऐड कर दें। जीरो क्यों ऐड किया जा सकता है? बिकॉज जीरो इज एडिटिव आइडेंटिटी। जीरो के ऐड करने से किसी भी टर्म में कोई फर्क नहीं पड़ता, वो एडिटिव आइडेंटिटी है, इसलिए हम कहीं भी ऐड कर सकते हैं एज पर आवर नीड। आगे जीरो को कुछ ऐसे टर्म में लाए कि इनके साथ कुछ कॉमन हम निकाल सकें। यहां जीरो को नेक्स्ट टर्म में हमने लिखा है एक्स डॉट एक्स डेज इंटू जेड। ये पहले जो फैक्टराइज हो चुका है एज इट इज, ये टर्म एज इट इज। जीरो को एक्स डॉट एक्स डेज जेड ही क्यों लिखा गया? ये वाई डॉट वाई डेज भी हो सकता था, डब्ल्यू डॉट डब्ल्यू डेज भी हो सकता था। कोई भी वेरिएबल अपने कॉम्प्लीमेंट के साथ डॉट प्रोडक्ट में या एंड ऑपरेशन में क्या होता है, जीरो होता है। ये कॉम्प्लीमेंट लॉ से आप बूलियन अलजेब्रा के कॉम्प्लीमेंट लॉ से जानते हैं। हमें यहां वेरिएबल्स ऐसे लेने हैं कि ये जो बगल में जो टर्म्स है उसके साथ कुछ कॉमन निकाल सके। यहां एक्स डेज है जेड है, इसीलिए इसको जीरो को एक्स डॉट एक्स डेज रखे। अब ये तो जीरो देगा, जीरो के साथ इनटू में कोई भी चीज रहेगा जीरो ही मिलेगा। इधर जेड है तो जेड एक्स्ट्रा लिख दिया गया, तो ये जीरो लिखा गया है एक्स डॉट एक्स डेज जेड। बगल में आप रीजन बताते चलिए, जैसे ऊपर लिखा है जीरो इज एडिटिव आइडेंटिटी इसलिए ऐड किया गया है, यहां एक्स डॉट एक्स डेज जीरो होता है। नेक्स्ट टर्म में यहां
यहां से देखो एक्स डैश इंटू जेड, एक्स डैश इंटू जेड इन दोनों टर्म में कॉमन है बाहर निकालो, यहां का वाई डैश प्लस यहां का एक्स ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा जो पहले वाले टर्म के जैसा ही है। कॉमन जब भी निकालें बता दें यहां पे बाय डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, कभी भी मल्टीप्लाई करो कॉमन निकालो तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से हो रहा है ऐसा आप बता दें रीजन जो है। यहां कमोडिटिव लॉ से y डैश x को x प्लस y डैश लिख दीजिए, यहां पहले टर्म में भी वैसे ही है z इंटू में है तो z को पहले लिख दिया हूं इंटू x डैश, ऑर्डर बदला है तो y कमोडिटिव लॉ। अभी इस दोनों जगह से आप देखिए x प्लस y डैश इंटू z कॉमन है तो दूसरे टर्म में क्या बचेगा, अगर कॉमन निकालते हैं तो दूसरे टर्म में आपको बचेगा यहां तक पूरा कॉमन है आपका तो यहां से रह जाएगा डब्लू प्लस यहां का एक्स डेज। अब ये फैक्टर फॉर्म में आ गया, फर्स्ट ब्रैकेट इंटू जेड इंटू डब्लू प्लस एक्स डेज, ये इक्वेशन टू फंक्शन जी आपका सॉल्व हो गया। अब ये एफ और जी दोनों में काफी टर्म कॉमन है, इन दोनों को लेकर के आसानी से हम सर्किट डिजाइन कर सकते हैं, थ्री टर्मिनल नेटवर्क बना सकते हैं। एक बार फिर से इसको एक के नीचे एक लिखते हैं, दोनों फंक्शंस को एक के नीचे एक वर्टिकली लिखते हैं ताकि कॉमन फैक्टर साफ दिखाई दे। एफ इज एक्स प्लस वाई डेज इंटू जेड इंटू डब्ल्यू एंड जी बिकम्स एक्स प्लस वाई डेज इंटू जेड इंटू एक्स प्लस डब्ल्यू प्लस एक्स डेज, तो ये दो कॉमन है, एक में ये अलग है W, एक में है W प्लस एक्स डैश। तो दोनों को लेकर के अब जब हम डिजाइन करेंगे थ्री टर्मिनल सर्किट तो ये बनेगा, ये टर्मिनल जीरो यहां से X प्लस दैट मींस नए लाइन पे पैरेलल कनेक्शन Y डैश, इनके साथ इनटू में है Z, यहां तक कॉमन था दोनों में। अब यहां से W अलग कर दीजिए, टर्मिनल T1 बन गया इसके लिए, और यहां इसके लिए जी फंक्शन के लिए डब्ल्यू प्लस एक्स डैश, तो यहां से अलग कर दिए डब्ल्यू प्लस मींस नई लाइन एक्स डैश। तो अब यहां से देखेंगे एक्स प्लस वाई डैश इंटू जेड इंटू डब्ल्यू, फर्स्ट फंक्शन है एक्स प्लस वाई डैश इंटू जेड इंटू ब्रैकेट में डब्ल्यू प्लस एक्स डैश, नेक्स्ट टर्मिनल टी टू। तो टी जीरो टी वन टी टू थ्री टर्मिनल का ये आपने कॉमन सर्किट बना दिया दोनों फंक्शंस के लिए। तो ये मैनी टर्मिनल थ्री टर्मिनल सर्किट का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप प्रैक्टिस में रखेंगे। आपको ध्यान देना है दोनों फंक्शन एफ और जी को फैक्टराइज करके कुछ कॉमन फॉर्म में लाना है सो दैट यू कैन डिजाइन ए सिंप्लीफाइड थ्री टर्मिनल सर्किट।